जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जेउं बिवरणी मु आपण मानकु देबाकु जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशयंक द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 35 ज्ञान योग। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अधोमयि। ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यमरे आम समस्तंकु ज्ञान जोगर दिग्दर्शन देउछन्ति। परमात्मा कहुछन्ति, हे अर्जुन, ज्ञानवान लोकंकर शिक्षा आमकु एक स्वच्छ और स्पष्ट बुझावणा देथाय। तेणु जेतेबेळे तु ज्ञान प्राप्त व्यक्तिमानक ठारु ईश्वरीय शिक्षा ग्रहण करिबु, धीरे धीरे सेही शिक्षा गुडीकर महत्व एवं दिग तते स्पष्ट देखाजिव। तापरे सेही स्पष्ट बुझावणा सहित अहंकार एवं किंबा भाबिबा जे मु शरीर अटे एवं तोर मामा करम ए सबु कामना तोर धीरे धीरे दूरेई जीव। तु जेतेबेळे आचार्य मानंक पाखकु जीवु तोर अहंकार मामा करम नाश होई जीव, सेतेबेळे तु निजकु आत्मा बोली चिन्हि पारिबु किंबा आत्मा भावरे देखि पारिबु। तु प्रत्येक शरीररे आत्मा देखि पारिबु एवं तु एहा अनुभव करियाकु मध्य समर्थ हेबु। केवल सेतिकि नुहे, तु एहा मध्ये जानि पारिबु जे समस्त आत्मा तो सहित समान। एहिपरि श्रीकृष्ण परमात्मा आचार्य मानक निकटकु आसीबा द्वारा शिक्षा ग्रहण करिबा द्वारा जेउं लाभ प्राप्त होइताए ताहा वर्णना करछन्ति। श्रीकृष्ण परमात्मांक शिक्षा उपरे ध्यान देवा बळे आसन्तु समस्ते यथाशीघ्र जणे आचार्यंक पाखकु जिबाकु प्रयास करिबा। जदि आमे पहुँचि पारु नाही, आसन्तु अहंकार एवं मामकरम ठारु दूरेरे रहिबा। आसन्तु समस्त शरीररे आत्मा देखिबा एवं एक दर्शन सृष्टि करिबा। समस्त आत्मागुडिक मो सहित समान एवं समस्त आत्मा परमात्मांक सहित समान, एहिपरि भावना रखिबा। एही सब अभ्यास करिबा पई एक प्रयास करिबा बळे आसन्तु समस्ते श्रीकृष्ण परमात्मांक शब्दकु मने रखिबा ओ पुनरावृत्ति करिबा। जय श्रीमन्नारायण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यधोमयि। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवद गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65-70 रे वर्णना करछन्ति। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणर, जेउ माने मोर एही 8 उपदेशकु मानन्ति आउ पालन करन्ति, मु मोर सेही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे, जेउ माने मोर एही उपदेशकु मानन्ति एवं सेमानंक जीवनरे प्रतिपादित करन्ति। भगवान श्रीकृष्णक ठारु संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान शुणिला परे अर्जुन कहिथिले, करिसे वचनम तवा, अर्थात हे श्रीकृष्ण, मु आपणकर प्रतिटि वाक्य ओ उपदेशकु पालन करिबि। तार फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनकु समस्त प्रकारर विजय ओ सफलता प्रदान करथिले। आसंतु सेही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्णक पाखरे एही 8 वाक्य पालन करिबा पई प्रतिज्ञा नेबा। आपण माने एही वाक्यकु मन ओ हृदयरे ध्यान करंतु। ध्यान करिबा समयरे भगवान श्रीकृष्णकर
छविको मन मन्दिरले रेखाङ्कित गरन्ति। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ हेउची सही आठटि वाक्य जहाँको आमेमाने प्रतिज्ञा नेबा। हे श्रीमन्नारायण, आपणको निर्देश अनुसारे मु सदा सर्वदा आपणको ध्यान करिबि। हे श्रीमन्नारायण, मु प्रतिटि मुहूर्तरे मो हृदयरे आपणको भक्ति अर्घ्यको प्रज्वलित करि रखिबि। हे श्रीमन्नारायण, मु मो जीवनर समस्त कर्म आउ आपणको सेवारे नियोजित करिबि। हे श्रीमन्नारायण, आपणको प्रतिटि वाक्य ओ उपदेशरे मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि। आउ मु संपूर्ण भावे निजको आपणको पाखरे समर्पण करुछि। मु सदा सर्वदा मोर दुई हात जोड़ी आपणको श्रीपदरे प्रणिपात करुछि। हे श्रीमन्नारायण, मु सर्वदा आपणको वाक्य ओ उपदेशको मन मन्दिरले साहित्य रखि जेमिति कि माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात मु सर्वदा आपणको शरणरे ही रहिबि। हे श्रीमन्नारायण, आपण कहिथिबा वाक्य मा सुचा, यही वाक्य को सर्वदा मने रखिबि। आपणको आश्वासन अनुसार मु सर्वदा आपणको सत्ता को अनुभूति करिबि। ता द्वारा मु निजको भय ओ दुख ठारु दूररे रखिपारिबि। हे श्रीमन्नारायण, आपण संसारर कल्याण पाई श्रीमद् भगवत भळि जेऊ महान ग्रंथ प्रदान करिछन्ति, मु प्रतिदिन गोटिए श्लोक पठन करिबि अथवा शुणिबा पाई प्रतिज्ञा नेउछि। हे श्रीमन्नारायण, आपण प्रतिटि मनुष्यर कल्याण पाई आउ दुख को हरण करिबा पाई जेऊ श्रीमद् भगवत भळि महान ज्ञान प्रदान करिछन्ति तार प्रचार ओ प्रसार पाई सदा सर्वदा चेष्टा करिबि। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटि वाक्य एवं उपदेशर पालन करिबा संगे संगे मु मोर दैनदिन व्यवहार रे ताहाकु प्रतिपादित करिबि। मु मो जीवनर प्रतिटि कर्म आपणको समर्पण करिबि। मो प्रभु श्रीमन्नारायणको ठारे मोर निष्ठा ओ भक्ति सर्वदा प्रज्वलित करि रखिबि। जय श्रीमन्नारायण। करिष्ये वचनम तवा। हे श्रीकृष्ण, मु आपणको प्रतिटि गीता उपदेश आउ निर्देशको मो जीवनर प्रतिटि कर्म रे संपादना करिबि ओ आपणको पाद कमळरे मोर भक्ति यज्ञ प्रदान करिबि। जय श्रीमन्नारायण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अधोमयि ॐ। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यधो मयि। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भक्तमानंकु एक विशेष अनुरोध। भक्तवृंद, आम जीवन रे आमे समस्त कामरे शीघ्र ओ यथार्थ फल पाइबा पाइ आशा रखिथाउ। एही फल प्राप्ति करिबा पाइ आसंतु प्रतिदिन गोटिए मिनिट आमे नारायण अस्त्रम पाठ करिबा किंबा शुणिबा। नारायण अस्त्रम पठन करिबा पाइ दया करी
www.narayanastram.org वेबसाइट को जानतु। ये वेबसाइट रे आपण ईमेल दे रजिस्टर करंतु। तापरे आपण माने ईमेल द्वारा एक पीडीएफ फाइल पाइबे। यही पीडीएफ फाइल रे गोटे रामायण श्लोक, गोटे गीता श्लोक ओ गोटे विष्णु नामम रही। यही तीनोटी मिश्रण को नारायण अस्त्रम कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न मिश्रण नारायण अस्त्रम पाइबे। जेतेबले सबु भक्त अन्य 24,000 भक्त मानक सहित मिसी यही नारायण अस्त्रम को शुणबे किंबा पठन करिवे संपूर्ण रामायण परायण गोटिए थर, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता परायण 33 थर, विष्णु सहस्रनाम परायण 24 थर संपूर्ण हो जीव। आमे एहाकु प्रतिदिन पाठ कले किंबा शुणिले एहा आमकु कल्याणकारी ओ असाधारण फल प्रदान करिवो। दया करी जानतु आपण मानक परिवार ओ प्रियजन मानकु मध्य एही नारायण अस्त्रकु सब्सक्राइब करिया पाई प्रवतांतु। जय श्रीमन्नारायण।